सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाइस आप कुछ इस तरीके कमाल का लव स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को बनाने से पहले करना क्या, इस वीडियो कर देना है आपको एक लाइक, और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए इसी तरीके के नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले गाइस आपको अपना कन्वर्टर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 9x16 का साइज सिलेक्ट कर लेना है। 9x16 का साइज सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना और एडिटिंग पे जाना है। एडिटिंग पे जाने के बाद गाइस आपको डिफिकल्टी ड्यूरेशन यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर लेनी है। 2 सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना और फुल स्क्रीन सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सिंपली मीडिया पे क्लिक कर देना है और मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे अपनी सभी फोटो को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस आप जो भी फोटो ऐड करना चाहे तो इस तरीके से अपने फोटो को ऐड कर लेना है। फोटो ऐड करने के बाद गाइस आपको करने के सिंपली यहाँ पे आपकी जो फोटो साइज सेट ना हो तो आपको सेट कर लेनी है। तो यहाँ पे गाइस आपको स्टार्टिंग पे आ जाना और स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे व्हाइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे गेट मोर के ऑप्शन पे जाके गाइस आपको यहाँ पे जूम इन जूम आउट वाला ट्रांजेक्शन डाउनलोड कर लेना है। तो इसपे यहाँ पे आपको पहला वाला दे देना है और टिक कर लेना और अगले वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दूसरा दे देना है और तीसरे वाले पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे तीसरा दे देना और चौथे पे क्लिक करके आपको यहाँ पे चौथा दे देना है और इसी तरीके से आपको लास्ट वाले पे जाना है और यहाँ पे पहले वाला सिलेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन ऐड कर लेने हैं। ट्रांजेक्शन ऐड करने के बाद गाइस आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है और स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस आपको सिंपली लेयर पे क्लिक कर देना और मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना और इसको फुल स्क्रीन पे ऐड कर लेना। फुल स्क्रीन पे ऐड करने के बाद गाइस आपको करने का सिंपली इसका ऑडियो आपको यहाँ पे म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद गाइस आपको नीचे जाना है, नीचे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा तो यहाँ पे इसको स्क्रीन कर देना और स्क्रीन करने के बाद गाइस आपको करने के इसकी एडजस्टमेंट पे जाना और इसकी एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट कर देनी है। सेट करने के बाद गाइस आपको करने क्या है, सिंपली इस पे एक बॉर्डर पेंज ऐड कर लेना है। बॉर्डर पेंज ऐड करने के लिए गाइस आपको लेयर पे क्लिक कर देना है और मीडिया पे जाना और मीडिया पे जाने के बाद गाइस आपने जहां भी अपने बॉर्डर पेंज ऐड करके रखी हो, डाउनलोड करके रखी हो, आपको वहां से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसको फुल स्क्रीन पे ऐड कर लेना। फुल स्क्रीन पे ऐड करने के बाद गाइस आपको इसका साइज लास्ट तक ले जाना है। लास्ट तक ले जाने के बाद गाइस आपको इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है और कैंची का ऑप्शन पे क्लिक करके टेम्पलेट ऐड ऑप्शन करके इसका एक्स्ट्रा का भाग कट कर देना। एक्स्ट्रा का भाग कट करने के बाद गाइस आपको करने के सिंपली इस वीडियो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए गाइस आपको इस शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे 1080 रेशियो सिलेक्ट करके ब्राइटनेस आई करके इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसा गाइस देख सकते हो वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो जैसे ही लाइनिंग पूरा हो जाएगा तो सबके वीडियो बन के गैलरी पे सेव हो जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पे ये वाला वीडियो सेव कर लेना है। सेव करने के बाद गाइस आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो जैसा गाइस देख सकते हो वीडियो बन के सेव हो गया है। सेव होने के बाद गाइस आपको करने क्या है, सिंपली यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद गाइस आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको 16x9 का साइज सिलेक्ट कर लेना है। 16x9 का साइज सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको करने का है सिंपली यहाँ पे सेटिंग पे फिर से क्लिक करना है और एडिटिंग पे जाना और यहाँ पे भी डिफिकल्टी ड्यूरेशन आपको 2 पॉइंट सिलेक्ट करनी है और 2 पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद गाइस आपको फिर से मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे अपनी फोटो फिर से सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे गाइस जो भी फोटो आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पे अपनी फोटो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इन फोटो को ऐड कर दे रहा हूँ। तो इसी तरीके से गाइस आपको भी अपनी फोटो ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने इन फोटो को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद गाइस आपको करने का है अपनी फोटो जो भी सही से सेट ना हो तो इस तरीके से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इक्वल करके इस तरीके से अपने फोटो को अच्छे से यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद गाइस आपको अगली वाली फोटो के ऊपर क्लिक करना है और इसी तरीके से अगली वाली फोटो को भी अच्छे से आपको यहाँ पे सेट करना है। सेट करने के बाद गाइस देख सकते हो अगली फोटो आपको सभी फोटो को इसी तरीके से अच्छे से सेट करना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे इसको इस तरीके से रोटेट कर लेना है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैं कुछ अपनी फोटो को इस तरीके से सभी को अच्छे से सेट कर ली है। तो सेट करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, सिंपली स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस आपको करना क्या है, लेयर पे क्लिक कर देना है, मीडिया पे जाना और जो वीडियो आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है उसको यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है।
सिलेक्ट करने के बाद वैसे आपको इसको इस तरीके से हल्का सा जूम कर लेना, और जूम करने के बाद वैसे आपको इस तरीके से यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद वैसे आपको करने का है इन सभी फोटो का आपको मैग्नेट ओपन कर लेना है। तो जैसे कि देख सकते हो मैं यहाँ पे इन सभी फोटो का मैग्नेट ओपन कर दे रहा हूँ, तो आपको भी इन सभी फोटो का मैग्नेट ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैंने अपनी सभी फोटो का मैग्नेट ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपनी सभी फोटो को मैग्नेट ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे मेरी ये फोटो रहेगी, तो इस तरीके से मैंने इसको भी सेट कर लिया और यहाँ पे इस तरीके से इसको रोटेट कर लूंगा। इस तरीके से मैग्नेट ओपन करने के बाद गाइस आपको स्टार्टिंग पे आ जाना और इस व्हाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस पे ट्रांजेक्शन दे देना है। तो यहाँ पे गाइस उल्टा ट्रांजेक्शन देना है, यहाँ पे टू सिलेक्ट करने है, उसमें वन सिलेक्ट किया था इसमें टू सिलेक्ट करने है। तो इसमें दूसरे वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको वन सिलेक्ट करना है, वहां पे आपने टू दिया था यहाँ पे वन कर देना है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको यहाँ पे जस्ट उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से इन पे ट्रांजेक्शन ऐड कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से गाइस देख सकते हो मैंने इन पे सभी ट्रांजेक्शन ऐड कर दिए। ट्रांजेक्शन ऐड करने के बाद वैसे आपको करने के सिंपली यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने के बाद वैसे आपके यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। तो इस टेम्पलेट को इस तरीके से सिलेक्ट करना और थ्री डॉट पे क्लिक करना, इसको इस तरीके से फुल स्क्रीन पे ऐड कर लेना। फुल स्क्रीन पे ऐड करने के बाद वैसे आपको करने के इसके ऑडियो आपको यहाँ पे म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद वैसे आपको नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन में जाना, और ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद वैसे आपको इसको स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद वैसे आपके यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो रोटेट के ऑप्शन पे जाना और इसको इस तरीके से रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद वैसे आपको लास्ट पे जाना और इससे टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है, कैंची का ऑप्शन पे जाना और टेम्पलेट ऑपरेट करके इसके एक्स्ट्रा का वर्क कट कर लेना है। एक्स्ट्रा का वर्क कट करने के बाद वैसे आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है, और स्टार्टिंग पे आने के बाद वैसे आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना, और मीडिया पे जाने के बाद वैसे आपके यहाँ पे ये वाला लिरिक्स वीडियो ऐड कर लेना है। इस लिरिक्स वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से आके इसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद वैसे आपको इस तरीके से यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद वैसे आपको करना क्या, सिंपली इसकी क्रोमा की पे जाना और इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद वैसे आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर ऐड करना है। तो यहाँ पे वैसे इस तरीके से ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपनी सेटिंग कर लेना है, तो जिससे ये काफी देखने में कमाल की लगेगा लिरिक्स। तो आपको इस तरीके से सेटिंग कर लेना। सेटिंग करने के बाद जैसे आपको लास्ट पे आना है और उसके कैंची का ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ट्रिंटेड प्लेयर करके इसके एक्स्ट्रा कट कर लेना और इस लिरिक्स वाले वीडियो को हल्का सा नीचे को ऐड कर देना है। इस तरीके से ऐड करने के बाद जैसे आपको करना क्या है, सिंपली लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना, और मीडिया पे जाने के बाद वैसे आपको यहाँ पे ये वाली लेंस पीएनजी ऐड कर लेना है। तो इस लेंस पीएनजी को आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐड करना है और इसको लास्ट तक ले जाना है खींच के, और इसके ऑन एनिमेशन पे जाना, पल्स पे क्लिक कर देना। पल्स पे क्लिक करने के बाद वैसे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना, और डुप्लीकेट करने के बाद वैसे आपको एक उठा के इस तरीके से यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रखने के बाद वैसे आपको करने के फिर से लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने के बाद वैसे आपको यहाँ पे ये वाली रेड पीएनजी ऐड कर लेनी है। तो इस रेड पीएनजी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद वैसे आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और ऑब्ली एनिमेशन पे जाना है। यहाँ पे इसको भी पल्स पे क्लिक कर देना है। पल्स पे क्लिक करने के बाद वैसे आपको इसको भी लास्ट तक ले जाना। लास्ट तक ले जाने के बाद वैसे आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना और इसको भी डुप्लीकेट करके इस तरीके से यहाँ पे आपको नीचे को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे इस वाले को उठा के यहाँ पे इस तरीके से इस वाले नीचे को ऐड कर देना, और नीचे को ऐड करने के बाद वैसे आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है और लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, और मीडिया पे जाने के बाद वैसे आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन बॉर्डर पीएनजी ऐड कर लेनी है। तो इस फुल स्क्रीन बॉर्डर पीएनजी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से आके इसको भी डाउनलोड कर लेना और थ्री डॉट पे क्लिक करके इसके तरीके से फुल स्क्रीन पे ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद वैसे आपको इसका साइज लास्ट तक ले जाना है। लास्ट तक ले जाने के बाद वैसे देख सकते हैं वीडियो बन के कम्प्लीटली तैयार हो गया है। तो इसको सेव करने के लिए वैसे आपको करने का सिंपली शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे जरा सीरियस सिलेक्ट करके ब्राइटनेस आई करके इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है।